वेलकम बैक फ्रेंड्स। कुछ दिन हो गया है मैं कुछ भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ भी होंगे और खुश भी होंगे। 2-3 दिन पहले मेरा छोटा भाई, भाभी और भतीजा आए थे, उनका क्लिप्स में रखी हूँ। एक छोटा सा ब्लॉग है आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी थी। घर का कुछ रिपेयरिंग काम चल रहा था और बेटी का प्रैक्टिकल एग्जाम, ऐसा कुछ था जो मैं अप डाउन हो रही थी, बेटी को स्कूल से लाना और घर का जो रिपेयरिंग काम देखना, इतना बिजी थी कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। ये भतीजा मेरा ब्लॉग को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता है और वेट करके रहता है मैं कब ब्लॉग अपलोड करूं। और भाभी ने मेरे लिए कुछ पीठा बना के लाई थी और भतीजा बोल रहा था पीठा नहीं, मैं आपके लिए मीठा लाई हूँ। इस बात में जोरों से हमारा हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे जो दिन आए उसके बाद नेक्स्ट डे को ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं एक ब्रेड, जो ऑमलेट होता है, टोस्ट भी बोल सकते हैं, उसी को ही मैं बना रही थी। एक ब्रेड टोस्ट या ऑमलेट, आप जो भी चाहे उस रेसिपी का नाम दे सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और क्विक भी बन जाता है और बच्चों को टेस्टी लगता है, इसलिए मैं ये पसंद की, क्योंकि सुबह को तो काम बहुत रहता है। और जो आप चाहें जितना एग ले उसको तोड़ के अच्छे से एग के साथ प्याज और हरा धनिया और नमक हल्दी मिला के फेंट ले और ब्रेड को उसमें डीप करके कुकिंग ऑयल थोड़ा पैन में देके आप जैसे ऑमलेट बनाते हैं या टोस्ट बनाते हैं उसी तरह दोनों तरफ को अच्छे से फ्राई कर लेना है। वो लोग हमारे घर में 2-3 दिन रहे, पर मैं रिकॉर्डिंग में सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो बना पाई हूँ, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। और ये वीडियो को छोटा सा ब्लॉग है पर मैं अलग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भतीजा को अच्छा लगेगा, उसके लिए थोड़ा जो आया था स्पेशल कुछ ब्लॉग में बना के शेयर कर रही हूँ। और नीचे बैठ के मेरा बेटा और भाई वो एक ब्रेड वाला जो टोस्ट है उसको खा रहे थे, और भतीजा का ऑनलाइन क्लास भी स्कूल का चल रहा था, उसी के बारे में कुछ बातचीत भी चल रहा था। वो तो क्लास थोड़ा सा, एक क्लास ख़त्म होता है वो थोड़ा डांस कर लेता है, उसके बाद आके क्लास में बैठता है, इस तरह उसका चल रहा था। मेरा बेटा और भतीजा दोनों नॉनवेज में चिकन बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, चिकन का कुछ भी रेसिपी हो वो ट्राई ज़रूर करते हैं। और बीच में मेरा भाभी चिकन बिरयानी, चिकन पकोड़ा ये सब बनाई थी, पर मैं इतना काम में बिजी थी उसी टाइम में क्लिप्स ले नहीं पाई हूँ, और ये मैं बना रही थी इसलिए थोड़ा मैं ले ली हूँ। और उनको देने के बाद बेटी नहा के आई और वो ले रही हैं खाने के लिए, और बीच में मेरा ये ब्रेकफास्ट की तैयारी के साथ ही लंच भी प्रिपरेशन चल रहा है, और दाल और चावल मैं बना चुकी हूँ, और भाभी बच्चों के लिए नॉनवेज जो रेसिपी वो बनाएगी, चिकन कोसा बनाएंगी उनके लिए। और जो दिन आए थे उस दिन चिकन बिरयानी भी बनाए थे। ये छोटा सा ब्लॉग है और ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। आशा करती हूँ ये जो मैं स्पेशल कुछ मेरे भतीजा के लिए शेयर की हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।